हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रोजन मटर तैयार करने का तरीका, ताकि आप इन्हें लंबे समय तक यूज कर सकें। ये एकदम फ्रेश रहेंगे, इनका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर मैंने 3 kg मटर लिए हैं और इनके छिलके हटाकर और पानी से एकदम अच्छे से वॉश करके इनको साफ कर लिया है। अब हम इनको ब्लांच करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 tablespoons शुगर। इससे मटर का कलर एकदम ग्रीन रहेगा। 1 teaspoon सॉल्ट। अब हम इसको एक बार अच्छे से हिला देंगे। अब हम इसमें अपने मटर डाल देंगे। और इनको 2 से 3 minutes तक हम इसमें बॉईल होने देंगे। मटर को 2 से 3 minutes हो चुके हैं उबलते हुए। इन्हें हमें हाई फ्लेम पर ही बॉईल करना है। और आप देख सकते हैं ये सारे मटर ऊपर एकदम सरफेस पर आ गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम उबले हुए मटर को पानी में डालेंगे। ये यहाँ पर मैंने एकदम नॉर्मल वाटर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब ऐड कर दूंगी। इससे जो हमारे मटर हैं वो ओवर कुक नहीं होंगे और इनका कलर एकदम ग्रीन रहेगा। इसमें हमने शुगर ऐड की थी, तो आप देख सकते हैं कि मटर का कलर वैसे भी बहुत ग्रीन है। अब हम इसको आइस में 5 minutes तक ऐसे ही रहने देंगे। अब ये मटर को यहाँ पर 5 minutes हो चुके हैं। जब हम इन्हें बॉईल कर रहे थे तो ये मटर एकदम सरफेस पर थे, और अभी आप देख सकते हैं ये हमारे बॉटम में एकदम सेटल डाउन हो चुके हैं। इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट कुक हुए स्टोर करने के लिए। अब हम इनका पूरा पानी निकाल देंगे छलनी की हेल्प से। ये मटर का पूरा पानी मैंने एकदम निकाल दिया है, और अब हम इनको एक कपड़े पर इस तरह से फैला देंगे। अब इनको हाथ से हम इस तरह से एक लेयर में फैला देंगे। अब हम इन्हें 2 घंटे के लिए पैन के नीचे सुखा लेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनको प्रिजर्व कैसे करना है। बीच बीच में आप हाथ से एक बार इन्हें ऐसे ऊपर नीचे कर दें। ये 2 से 3 घंटे के बाद ये मटर हमारे एकदम अच्छे से सूख चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इनको गीला नहीं भरना है, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अब हम इस तरह का एक जिप लॉकर लेंगे और इसमें मटर को भर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसे 3/4 ही भरना है। हम इसको इस तरह से पूरी इसकी एयर निकाल के और पूरा इसको एकदम टाइटली कवर कर देंगे। तो ये देखिए, मटर को मैंने यहाँ जिपलॉक बैग में भर लिया है, और अब हम इनको उठाकर फ्रीजर में रख देंगे।